ऐसे लोग बहुत से यीशु मसीह के पास आते हैं चंगा होने के लिए, ना तो उसकी चंगियाई के पवित्र नियम को जानते हैं, ना उसकी सच्चाई को जानते हैं, ना अच्छे तरीके से परमेश्वर को जानते हैं, ना वो जानते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान क्यों हुआ, क्यों उसने अपने तन पर घोड़े खाए। इसलिए लोग हील नहीं होते, चंगे नहीं होते, पर विश्वास के नियम का पता है और वो हील हो जाते, चंगे हो जाते, क्योंकि ये पवित्र नियम है विश्वास का। लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं, ब्लेस्ड अपने आप को जो ब्लेसिंग की एनर्जी को फील कर रहे हैं, कर रहे हो आज ब्लेसिंग की एनर्जी को फील कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हैं, हाथ ही लाओ जो लोग ब्लेसिंग की एनर्जी को फील कर रहे हैं। आमीन। ब्लेसिंग तो दे दी है, हीलिंग भी चाहिए, ब्लेसिंग तो मिल गई, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चिंगाई चाहिए, किसको चाहिए चिंगाई, चिंगाई किसको चाहिए? ब्लेसिंग तो खुदा ने दे दी है, चिंगाई चाहिए, चिंगाई की जरूरत है? क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी आदत है, मैं हर चीज परमेश्वर से पूछ के करता हूं ना, तो मैं वहां पर तो नहीं मुझे उत्तर मिला, यहां पर मुझे भी दे दिया। तब से मैं प्रार्थना कर रहा था, बताओ परमेश्वर, पर यहां पर जैसे प्रपट पे आया खुदा ने उत्तर दे दिया, किन से पूछ पहले ये चाहते हैं। क्योंकि सुनो एक चीज, यीशु मसीह के पास जितने लोग भी आए, चाहे तो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, चाहे आप यहां पे हो, यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, अंधे, लंगड़े, टूंडे, तरह तरह की बीमारियों के, दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए, वो सब फेथ से चंगे हुए, अपने विश्वास से चंगे हुए। आपको पता मरकुस 9 में एक आदमी, एक बंदा अपने बेटे को लेकर आया था जिसे मिर्खी का दौरे की दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। बोलो क्या यीशु मसीह तो नहीं मिले, उसके चेलों ने प्रार्थना की पर उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई। कारण, कारण क्या? ना तो वो नियम जानता था, ना ही उसके अंदर विश्वास था। ऐसे लोग बहुत से यीशु मसीह के पास आते हैं चंगा होने के लिए, ना तो उसकी चंगियाई के पवित्र नियम को जानते हैं, ना उसकी सच्चाई को जानते हैं, ना अच्छे तरीके से परमेश्वर को जानते हैं, ना वो जानते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान क्यों हुआ, क्यों उसने अपने तन पर घोड़े खाए। इसलिए लोग हील नहीं होते, चंगे नहीं होते। जब वो आया बंदा, तो चेलों ने प्रार्थना की, क्या की? प्रार्थना की और उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई। क्या होगी हालत उसकी? ज्यादा खराब हो गई। तो तब भीड़ लग गई, लोग फैलने लगे, ये मर जाएगा, मर जाएगा, मर गया, उसकी हालत ऐसी हो गई। तब यीशु मसीह आ गए, उन्हें पूछा क्या हुआ, तो आगे तो बोले तेरे चेले से चंगा नहीं कर पाए, मैं तेरे पास लाया, तेरे चेले चंगा नहीं पाए। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हे अल्पविश्वासियों, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ला अपने बच्चे को मेरे सामने लेकर आ। जब वो लेकर आया तो यीशु मसीह के सामने भी वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को त्रोड़ मरोड़ रही थी। आप देखो यीशु मसीह, यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर फेथ का परमेश्वर, नियम का परमेश्वर, मैं हूं और यीशु मसीह, यीशु मसीह। समझ आ रही है? कितनों को आ रही है? सुनो, जब ऐसी दुष्ट आत्मा कर रही, तो यीशु मसीह ने आत्मा में देखा ये बंदा ना तो सच्चाई जानता है, ना ही इसके अंदर विश्वास है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, वो ज्ञान तो नहीं जानते, मतलब परमेश्वर का ज्ञान तो नहीं इतना जानते, पर वो कभी कभी कुछ लोग विश्वास से आते हैं और पहली बार भी आते हैं, हील हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना होता है यीशु मसीह के नाम से चंगे होते, ज्यादा ज्ञान के बारे तो नहीं पता, पर विश्वास के नियम का पता है और वो हील हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, क्योंकि ये पवित्र नियम है विश्वास का। उसी रीति से, बोलो क्या है, उसी रीति से जब यीशु मसीह ने जब आत्मा में देखा कि इस बंदे के अंदर ना तो शांस है, ना तो ज्ञान है, तो फिर यीशु मसीह ने तो टीच किया, सिखाया, समझाया, किसके राज्य के बारे, चिंगाई कैसे मिलती है, चिंगाई कैसे मिलती है। जब सिखाया तो टाइम लग गया, बोलो क्या है, टाइम लग गया, टाइम
उसने आगे से कहा ये बातें कर रहा है, मैं उससे गल्ला ही करी जा रहा। कहता प्रभु अगर कुछ कर सकता है तो कर, मैं तो चंगा ही अपने बच्चे को चंगा होने के लिए तेरे पास लेकर आया हूं, तो कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह ने कहा ये तू मुझे क्या कहता जी, तू कुछ कर सकता है? उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। फिर वो बंदा यीशु मसीह के पांव पड़ गया और बोला हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि सही नियम में आ गया। जैसे सही नियम में आया उसका बच्चा उसी समय क्या हो चंगा हो गया। आमीन। तो करते हो विश्वास? कितने लोग विश्वास करते हैं? करते हो विश्वास कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है? बोलो अपने पड़ोसी को वो तेरे फेथ से करता है और वो आज भी करेगा, आज भी करेगा। संदेह न कर, शक न कर, किसी भी बात का डर न रख, वो तुझे चंगा करेगा, क्योंकि वो चंगा करने के लिए आया था, चंगा करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा था, वो चंगा करने के लिए उसने अपने तन पर कोड़ों की मार खाई थी और वो आज भी करेगा, वो आज भी करेगा। आमीन।